रायपुर के एकात्म परिसर में भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। इस दौरान साधना न्यूज की संवाददाता ने भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा से खास चर्चा की है। जानकारी के अनुसार राधिका खेड़ा पहले कांग्रेस में थी और अब वह भाजपा ज्वाइन कर चुकी है। हमारे साथ हैं बीजेपी नेत्री राधिका खेड़ा जी, जो पहले जो है कांग्रेस में थी लेकिन अभी जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और आप जो है न्याय की मांग कर रही है लेकिन अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पाया, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैंने न्याय मांगना बंद कर दिया है क्योंकि इन लोगों के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो महिला को न्याय दे सके। सबसे डरपोक अगर कोई लोग हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सबसे डरपोक अगर कोई है तो राहुल गांधी है, सबसे डरपोक अगर कोई है तो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और दीपक बैज हैं, जो महिलाओं को न्याय नहीं दे सकते। तो न्याय की उम्मीद तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ मैं इस बात के लिए तो लड़ती रहूंगी कि बेटियां उनके चुंगल से सुरक्षित रहे। लेकिन अभी जो आप बीजेपी ज्वाइन कर ली हैं तो क्या आपको लगता है कि वहां न्याय मिल पाएगा यहाँ पे? न्याय बिल्कुल क्यों नहीं, आप बताइए ना क्यों नहीं मिलेगा? जब मेरे को जरूरत थी, जब मैं डरी बैठी थी, जब कांग्रेस के गुंडे मेरे होटल के बाहर खड़े रहते थे, तो यही डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मोदी जी की सरकार थी, साय साहब की सरकार थी, विष्णुदेव साय जी की, कि मुझे सुरक्षा मिली। और आज राधिका खेड़ा आपके बीच में आके बैठी है। मैं वही राधिका खेड़ा हूं जिसको कमरे में बंद किया गया था और उसकी हार्ट बीट 154 पे चली गई थी, बोल नहीं पा रही थी। अभी भी जब आज ये वीडियो यहाँ पे दोबारा चला गया, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे क्योंकि पूरा वो घटनाक्रम मुझे दोबारा याद आ गई थी। आप एक महिला हैं, आप मेरी बात समझेंगी, बहुत मुश्किल होता है जब हम घर से बाहर निकलती हैं हर, क्योंकि मानसिकता बदलने की जरूरत है। लेकिन मैं ये लड़ाई जारी रखूंगी और दुनिया के सामने ये लाना बहुत जरूरी था कि कैसे जो हमारा मंदिर होता है वहां पे बेटियां सुरक्षित नहीं थी, हमारा ऑफिस हमारा मंदिर था, लेकिन वहां पे भी अगर न्याय नहीं मिला। और मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से, मेरे को 4 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी में, जिस तरीके से व्यवहार है बेटियों के साथ, मैंने ऐसा व्यवहार 22 साल में महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी में नहीं देखा था। वहां पे महिलाओं को देख के टिप्पणियां करी जाती थी, उनके सामने गाली गलौज की बात की जाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी में देखिए, दीदी कह के अपने से उम्र में छोटी लड़की से भी बात करी जाती है, इतने तमीज से बात की जाती है, बहुत अंतर है जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ऐसी वजह रही जो अब भूपेश बघेल को पहले काका कहा करते थे, अभी कंस कह रही हैं, क्या वजह है? वो काका बन के ही हमें हर बार तीजापोरा पे बना बुलाते थे, अपनी बेटी बना के बुलाते थे। बल्कि भूपेश जी तो मेरे खुद के, जब मैं विधानसभा से चुनाव लड़ी थी दिल्ली, तो आके प्रचार भी करके गए थे, कक्का ही कहते थे, मेरे पूरे परिवार से आके मिलके गए थे, 4 घंटे का रोड शो करके गए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कक्का के अंदर कंस छुपा हुआ है, और वो कंस हमने देख लिया जब मैंने उनके सामने गुहार लगाई कि आप मेरे बड़े हैं और वो आप ही का आदमी है, सब जानते हैं सुशील आनंद शुक्ला उनका आदमी है। और जब वो प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मैं तो हमेशा उन्हीं के भरोसे आई हूँ इस प्रदेश में कि हाँ वो है तो सब ठीक रहेगा, और जब उनसे ही न्याय की गुहार लगाई तो ये बोलने की जगह, अच्छा मैं देखता हूँ तुम तो मेरे घर की बेटी हो, कोई नहीं, हम तुम्हें अपने हर साल बुलाते हैं, उन्होंने कह दिया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो। क्या ये न्याय का तरीका है? मतलब कोई भी लड़की अगर छत्तीसगढ़ की न्याय मांगेगी तो छत्तीसगढ़ छोड़ दो? कंस कक्का, मैं आपको याद दिला दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके नेता राहुल गांधी लेकर घूमते हैं वो मुझे हक देता है कि मैं देश में कहीं भी जा सकती हूँ, और आपको वो हक नहीं देता कि अगर लड़की न्याय मांगे तो आप उसको कहो कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो। जी, आप उनसे न्याय मांग रही थी और उनसे न्याय नहीं मिला, लेकिन अब जो है कल 10 सितंबर को जो है महिला सुरक्षा को लेकर के सीएम हाउस घेराव करने जा रही है कांग्रेस को, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उनके पास नैतिक अधिकार नहीं है, जो अपने घर की बेटी को सुरक्षित नहीं रख सके, जो अपने घर की बेटियों को न्याय नहीं दे सके, न्याय के बदले में चुप रहने को कहा गया और कहा गया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो, उनको तो छत्तीसगढ़ खुद कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने छुड़वा दिया है कि ऐसा प्रदेश जो 15-15 साल एक सरकार को देता है, 5 साल में ही उनको भगा दिया, तो आप खुद देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ किसको छोड़ना पड़ा, और लोकसभा में भी उसके बाद क्या नतीजा आया सारे देश के सामने है। तो जो वो आज आ रहे हैं, पहले फूलो देवी नेताम चेहरा अपना शीशे में देखें और बताएं कि उन्होंने क्या दीपक बैज से रिपोर्ट ली कि एक महिला के साथ कांग्रेस कार्यालय में इतनी बड़ी घटना घटी, उसका क्या रिपोर्ट थी, पहले वो रिपोर्ट लेकर आए फिर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारी बीजेपी की नेत्री राधिका खेड़े जी, जिन्होंने न्याय की मांग की और बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कैमरामैन राजेश के साथ सोनाली जायसवाल की रिपोर्ट, रायपुर छत्तीसगढ़।